सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बिकॉज तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और व्लॉग शूट कर रहा हूँ सुसाइड पॉइंट से, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेस। दिखाऊँ कहाँ पर हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा चलो यार, घर के पास था, कोई सा काम वगैरह चल रहा था, तो मैंने कहा यार वहाँ पर साउंड वगैरह एकदम किचकिच हो रहा था, मैंने कहा चलो यहाँ आता हूँ, सुकून से स्टार्ट करता हूँ और चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो देख ही सकते हो भाई, मौसम कुछ ज़्यादा ही सेक्सी हो रहा है भोपाल का। तो मतलब हर दिन अगर मैं व्लॉग बनाऊँ नहीं, हर दिन सेक्सी होता है भाई मौसम, कुछ भी कर दो। तो भाई अगर एक इंसान वीडियो देख रहा है तो ये जगह याद होगी, ठीक है, एक इंसान क्या बहुत ही लोग देख रहे हैं, बाकी तो बहुत सुकून है भाई। ठंडी हवा चल रही है, अभी ठंडी नहीं है, अभी थोड़ी गर्म है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, ये देखो सनशाइन। तो अभी थोड़ी देर बाद कहीं जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है व्लॉग में, मतलब कोई दोस्त की या किसी इंसान की। भाई जो कर होता है खुद करो, खुद की दम पे करो भाई, वो एक मज़ा है। वहाँ भी कोई जागरण हो रहे हैं काली जी के मंदिर पर, और बस थोड़ी देर बाद जाऊँगा, थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, हवा चल रही है, अलग ही मज़ा है। देखो कोई रेंडम गर्ल्स वगैरह भाई, पर मैं सिंगल लोड ना भाई, बड़ा हरामी हो बेटा क्या, हम लोग को लड़की देखी, हम तो एकदम सत्य लौटने वाली। ये आप देख रहे हो, ये देखो बिस्लरी की बोतल लगी हुई है, पेड़ पे बिस्लरी का पेड़ है, ठीक है। तो बस थोड़ी देर बैठते हैं, इसके बाद घर निकलते हैं अपन। यहाँ भी एक छोटा सा घाट है, यहाँ भी पैर डाल के बैठ सकता हूँ आराम से, बट मैं बैठूँगा नहीं, बिकॉज़ मेरे को भोपाल में कम से कम 15-16 साल हो गए, मैंने इस पानी में हाथ तक नहीं डाला, हाथ तो डाला होगा, मैं कभी नहाया नहीं हूँ, बिकॉज़ था मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि इसका पानी काफ़ी गंदा है। भोपालियों हेड मत फैलाना, मेरे को जहाँ तक पता मैंने बता दिया। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और बाकी तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों बाद एकदम वो जस्बे में। चलो वो मछली पकड़ रहा है बंदा, ये छोटा बच्चा मछली पकड़ता है, इसके मज़े लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है, मतलब क्या रिएक्शन आता है बंदे का। अबे गेट तो बंद है यार, चलो हम तो चक्के चले आएंगे, हमारा क्या है। इससे बोला है कि एक बार मेरे को डाल लेने, क्योंकि मेरे को भी फिशिंग करना आती है ना, होशंगाबाद में मैंने भी बहुत फिशिंग की है, डाले हुए ब्लॉग देख लेना आप लोग। ये छोटा वाला भी है भाई, देखिए इसी के सामने, मैंने पता है वीडियो अच्छा हुआ तुरंत चालू कर दी, एकदम से फंस गई थी ना। सुकून है भाई, सुकून, थोड़ा ये धूप वगैरह जाएगी ना उसके बाद और सुकून आएगा। अरे बहुत शांत, अब मछली पकड़ ली, बहुत शानदार। दिखाना 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 भाई साहब, गजब यार, क्या नाम है मछली। तो भाई देख रहे हो वीडियो बनाते बनाते होशंगाबाद की यादें ताज़ा हो गई, मतलब मैं भी करता था ना फिशिंग वाले ब्लॉग भाई, मज़ा है मज़ा है। उसने जैसे ही डाला आ गई मछली, दिखाना है वाह यार, गजब गजब गजब। भाई के लिए एक लाइक तो बनता है ब्रो, ठीक है। हाँ ब्रो, लेकिन देखो कितनी बड़ी मछली पकड़ी है। चलो हम जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाई, छोटे छोटे दोस्तों के साथ अपन ने एंजॉय करा, बहुत बड़ी मछली पकड़ी आपने देखा होगा। मेरे वीडियो नहीं बनी थी तो मैंने पकड़ ली थी, क्योंकि ना मैंने फ़ोन का अंदर रख लिया था, मैंने कहा चलो चलते हैं, तो अब गाड़ी उठाते हैं कहीं चलते हैं ना। बोरा वहाँ से पकड़ रहे थे वो लोग, देखते हैं कुछ करते हैं अपन लोग। 2000 years later. पहले मैं जा रहा हूँ अपर लेक, पहले देखते हैं अपर लेक के क्या हाल चाल है, क्योंकि अपर लेक बहुत दिनों से नहीं गया हूँ ना, तो मैंने कहा चलो अपर लेक घूम के आते हैं। और मैं अपनी गाड़ी है, हम दोनों ही जा रहे हैं, हमें कोई तीसरे की
तैयार नहीं है। तीसरा है बट वो कुछ ज़्यादा ही नखरे करता है तो कुछ कह नहीं सकते। तो फाइनली भाई अपन यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से जो भी दिखते हैं भाई अलग के भाई जमीन से भर नीचे नीचे मतलब लेक व्यू में तो हर बार आता रहता हूँ, इस बार यहाँ पर आया हूँ तो अलग ही है भाई। आप देख सकते हो मतलब यहाँ से थोड़ा कुछड़ वगैरह यहाँ पे आप कपल्स वगैरह आ सकते हो जो भी कुछ कुछ करते हो ना आप यहाँ पे यहाँ कर सकते हो अपने समझ जाओ समझदार लोगों ने सामने दिखाई लोग भी एड ना उससे वहाँ बिल्डिंग वगैरह और वो वी आई पी रोड जा रहा है यहाँ पर बहुत मज़ेदार है। और मतलब जिसको यहाँ आना चाहिए वो तो घर पर बैठी हुई है सो रही है वाली बात है तो देख ही सकते हो भाई। यहाँ आ रहे हो तो आ जाओ बिल्कुल आओ एकदम इन्जॉय करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ मत जाना अगर गर्लफ्रेंड मुँह चलाए तो सीधे यहाँ से लात मार देना कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। चलो इंस्टाग्राम के लिए दो तीन स्टोरी बनाते हैं फिर इसके बाद चलते हैं कहीं और। मतलब भाई यहाँ आते हो ना भाई तो सुकून है भाई, कोई आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, अपने मन की सुनो वो जो करना है अच्छा करो बुरा भी मत करो जिससे कि अपने घर वालों को हर्ट हो। तो देख ही सकते हो भाई भाई जन्नत है भाई सच बता रहा हूँ कहीं मत आओ। लेक भी वगैरह अगर मैं जाऊँ बंदी को ले गया दोस्त अच्छे दोस्त को ले गया तो सिंगल ही आ जाओ आराम से बैठो अपने आप से टाइम स्पेंड करो अपने बारे में सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो देखो वो एरोप्लेन जा रहा है बोर्डिंग चल रही है और अभी यहाँ पर शांत बैठा हुआ है क्योंकि उस तरफ ना पब्लिक थी वहाँ पर तो यहाँ पर अभी नहीं आए बिकॉज ना अभी सूरज मामा है ना इसलिए थोड़ा काला कौन आता है। मैं आ गया व्लॉग आप लोगों के लिए बनाने के लिए तो ठीक है चलता अगर तो यहाँ से गिर गया तो समझ जाना कि 1-4-5-6 मिलियन करवा दे रहे तुम। और बाकी चलें क्या कहीं और चलते हैं यहाँ का हो गया है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है वो तो दिख रहा होगा। और यहाँ से ना एक क्रूज भी है तो पूरा घुमा के आता है यहाँ पर और सीधे मतलब आधे घंटे की वो राइड होती है बहुत मज़ा आता है। और हनुमान टेकनी दिख रही होगी यहाँ से लोग तो डाल ही दिया है मैंने दो पार्ट में देख लेना अगर नए लोग तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार। मैं बोलता कम हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता नहीं चाहता हूँ यार करवाओ थोड़ा सपोर्ट करो। हाँ थोड़ा डिले करता हूँ मैं अपने काम में मैं कुछ नहीं धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। चलो कहीं और चलते हैं तो अपन जा रहे हैं अब लेक व्यू तो लेक व्यू के दर्शन करते हैं काफ़ी दिनों से नहीं गए क्योंकि ये एक इकलौती जगह है जो सब भोपालियों को पसंद है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और म्यूजिक को फील करोगे। लेक व्यू में आ चुका हूँ और यहाँ पे झरना आज कुछ जारी अच्छी तरीके से बह रहा है तो मैंने कहा गाड़ी को फिर से रोक के यहाँ लगाई तो मैंने कहा झरना दिखाऊंगा आप लोगों को। और चलो आप कहीं और चलते हैं आई मीन वहाँ साइड चलते ना बिकॉज ना मैं वो पहले ही गाड़ी रोक ली थी यहाँ से मैंने किसी को लिफ्ट दी थी मैंने उससे बोला यार भाई आप यहीं कर जाओ मेरे को वीडियो शूट करना है तो चलते हैं भाई ना ले गए परछाई दिख रही होगी भाई और कहो तो यहीं से ऊपर चढ़ जाते हैं कहाँ इतना कौन घूमेगा यहीं से ऊपर चढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन जो हमेशा करते हैं मैं अब यहाँ आओगे ना भाई यहाँ से उल्टे चिरौंजी लाइक पॉपकॉर्न वगैरह वगैरह वाले सब मैं तो लड़की लेके आओगे तो लड़ी आओगे देखो वो आ गया पॉपकॉर्न वाला जिसकी यहाँ दो कुत्ते बैठे हुए हैं एक बैठा हुआ है पुष्कर एक बैठा हुआ अद्दू इन दोनों के लिए लाइक करो ये यहाँ भी आ गए हर बार की तरह दोनों दोस्त करोड़पति बात कर रहे हैं आने वाले साल के अडानी और अंबानी भरा हुआ आ रही है बहुत शानदार है यहाँ पर
दिख रहा होगा, ये जो लहर जो आ रही है ना पानी आ रहा है, उसको देखा होने लगा भाई बहुत अलग है सच में। और मेरे को यही पसंद है तो इसलिए मैं आता रहता हूँ। और आप लोग बोलते हो कि यहीं के ब्लॉग बनाता रहे, जाऊँगा यार कहीं बाहर जाऊँगा, भोपाल से बाहर जाऊँगा तो बहुत अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और 21 जुलाई को ना मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का पूरा ट्रिप का ब्लॉग आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आएगा। अभी थोड़ा टाइम है बट कोई बात नहीं, और वहीं पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये छपरी छपरी यूट्यूबर छपरी यूट्यूबर, तो बहुत मज़ा आएगा यार, लगी भैया की बंदी है तो भाई हमारी भी हो सकती है ना बंदी, क्या ही कर रहे हैं, इसकी भी बंदी है तो यद्यू कुछ कर रहे दोनों, कुछ जाति हो रहा है। और मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना, नहीं जा रहे हम वापस जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज्यादा हो रहा है। पीली वाली कितनी अच्छी लग रही है ना, शाबाश बेटा, मेरे को भाई अपनी वाली अच्छी लग रही है। वहाँ पे पुलिस वाले लग चुके हैं और यहाँ पे एड लगे, यहाँ भी खड़े हुए हैं भाई। हम साला ब्लॉग शूट करने आए थे, हमारे साथ कुछ ही और ही हो गया, तो देखो क्या होता है। उस दिन तो वो बच्चे ने निकाली थी गाड़ी, अब पता नहीं कौन निकालेगा, कभी निकालेगा तो चलान कटेगा। करते हैं कुछ, करते हैं। 1 minute 37 seconds later अच्छा बता रहा हूँ भाई, बहुत भयंकर कांड फटी गाड़ी निकालने में। लिटरली भाई मेरे को कोई भी नहीं पता था कि भाई मतलब पकड़ लेते तो मैंने रेस छोड़ी नहीं, वो गाड़ी भगा डाली। 200-300 रुपये बच गए भाई, क्या बुराई है, बच गए। और क्या मतलब रिस्क था बट रिस्क लेना ज़रूरी है ब्रो। तो अब चलेंगे चाय पीएंगे आराम से, उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि अभी दूसरी बार चालान नहीं कटवाना है हमको, ठीक है। मज़ा आया भाई ये वीडियो बनना, पता है अगर वीडियो कोई बंदा होता ना तो वीडियो बना लेता, बट वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मैंने ना हेलमेट और माउंट का चल रहा है, मैं मंगा देता हूँ, उससे क्या इजी रहेगा क्या, मैं अच्छे से वीडियो बनेगी ना, फिर मैं दूसरा फ़ोन भी ले रहा हूँ तो उसमें वाइड एंगल भी आएगा, फिर तो मचा देंगे भाई, पब्लिक रिएक्शन वीडियो सब देखने को मिलेगा आपको, पुलिस वाले भी रिएक्शन वाले वीडियो, ठीक है। कुछ चाय कैसे आती है यहाँ पर, कोई देखेगा, गन्ने का रस पियेंगे भाई, गन्ने का रस। लगा दो गन्ने का रस, एक ही दो निकलो वाले हैं। अरे मैं एक हूँ तो दो किसको पिलाऊंगा, आप ही हो गया अकेले ही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तू है साथ में। चलो दो बना लो, एक आप पी लेना। भाई सिंगल बंदे तो सिंगल ही पिएंगे, वैसे ही कर रहा है यार ये तो। यार गन्ने का रस आ चुका है, पीते हैं और फिर चलते हैं घर, यार बहुत हो गया है ना। उसका कॉल आ रहा है मेरे भाई का, कह रहा है यार चलो। सो गाइस गाड़ी में पेट्रोल डल दिया है और अपन को घर निकलना है क्योंकि बहुत मतलब नाइट भी हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बताए।